हेलो बंकर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सब ने यूज़ टू पढ़ लिया होगा, थ्योरी मैंने पढ़ाया था लास्ट वीडियो में। आज हम क्या करने वाले हैं, प्रैक्टिस करने वाले हैं। आई वेलकम यू ऑल ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ इट्स एडू टाइम। आज हम आप सभी को क्या सिखाने वाले हैं, अप्लाई करना, ठीक है। यूज़ टू तीन तरीके से बिहेव करता है, मॉडल, एडजेक्टिव, वर्ब। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। और अगर आपको चैनल पे जो वीडियोस आ रही हैं रेगुलर पसंद आ रही हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मीन्स। तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। यहाँ लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, आई यूज टू डैश टेम्पल। क्या लिखा है, मैं इधर हो जाती हूँ ताकि आप देख पाएँ अच्छे से। आई यूज टू डैश टेम्पल, मैं टेम्पल जाया करती थी। वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, बोलो हाँ या ना। मैंने आपको बताया भी था जब आपको इजमार या वॉजवर गिवन होगा तभी तो वो एडजेक्टिव है, बोलिए हाँ या ना। अदरवाइज वो क्या है, मॉडल है, पैसिव वॉइस हो जाएगा, वर्ब में किसी के लिए काम करना, यही पढ़ाया था। तो यहाँ पर जो यूज टू है क्या है, मॉडल है, ठीक है। अब कह रहे हो मुझे कैसे पता चला, ना तो इज़ आर गिवन ना वॉज वर गिवन। जब इज़ आर और वॉज वर गिवन नहीं है तो ना तो वो वर्ब हो सकता है ना वो एडजेक्टिव हो सकता है, क्या होगा वो, मॉडल होगा। इसलिए मैंने क्या बोला, मॉडल। और मॉडल हमेशा क्या लेता है बेटा, फर्स्ट फॉर्म वर्ब की। इसलिए हमारा आंसर गो होगा ना कि गोइंग। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई एम यूज टू डैश चर्च, यहाँ पर क्या लिखा है, एम। इसका मतलब ये कन्फर्म है यहाँ पर जो यूज टू यूज हुआ होगा वो मॉडल नहीं हो सकता, क्योंकि मॉडल के साथ इजमार नहीं यूज होता, ना ही आपका क्या कहते हैं एडजेक्टिव और वर्ब, इनके साथ इजमार यूज हो सकता है। अब जब ये मॉडल नहीं है, या तो एडजेक्टिव है या तो ये वर्ब है, या तो ये एडजेक्टिव है या तो वर्ब है। चेक करते हैं, आई एम यूज टू है ना। अब मैं यूज टू की बात होती है आदत की, प्रेजेंट में मेरी आदत है कहाँ जाने की, चर्च जाने की। मैं खुद जाऊंगी या कोई मेरा किसी के द्वारा काम कराऊंगी, चर्च जाना है तो मैं खुद जाऊंगी ना। इसका मतलब ये पैसिव वाइज भी नहीं हो सकता, जब ये पैसिव वाइज नहीं हो सकता तो ये वर्ब भी नहीं है। अब बचा क्या, यूज टू यहाँ पर क्या है, एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव की अच्छाई या बुराई कौन बताता है, नाउन। और नाउन क्या है, ये रहा जिसको हम क्या बोलेंगे, जेरेंट, या ऐसे समझ लो एम के बाद क्या आता है, आईएनजी, तो हमारा गोइंग आंसर होगा, गो आंसर नहीं होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक, आगे बढ़े। फर्स्ट सेंटेंस हो चुका है, सेकंड सेंटेंस हो चुका है, हम थर्ड सेंटेंस की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सेंटेंस है और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। वी यूज टू, अब मैंने बोला इजमार है, वॉजवर है। जब इजमार और वॉजवर नहीं तो ये मॉडल होगा। देखो इजमार वॉजवर नहीं थी तो मॉडल था, ये तो कन्फर्म हो गया कि यूज टू यहाँ पर क्या है, मॉडल। मॉडल अपने बाद क्या लेता है। अब प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर एक ब्लैंक नहीं, कितने, दो ब्लैंक, ये डबल फिलर है जो बैंकिंग में इस्तेमाल होता है, बैंकिंग में आता है जाता है ना। वी यूज टू डैश ऑन द लेफ्ट साइड इन इंडिया, हम जो लेफ्ट साइड इंडिया, बट हियर इन अमेरिका, अमेरिका में यहाँ पर वी आर यूज टू डैश ऑन द राइट साइड। राइट साइड अमेरिका में, लेफ्ट साइड इंडिया में, ड्राइव करने की बात हो रही है। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई थी और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी, है ना, ट्रिक। क्या बताया, जो दो चीज़ें सेम है ना ऑप्शंस में, किसी भी चीज़ में हो, वो हमारा आंसर कभी नहीं होंगी। सिनोनिम्स वॉन्ट बी आर आंसर, ओके। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, ड्राइव दो बार, दोनों जगह सेम चीज़ है, आंसर नहीं होगा, हमेशा काट दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ड्राइविंग और ड्राइविंग सेम है, 50% ईजी हो जाता है मामला। जहाँ पर भी सीनो दिखे, जहाँ पर दो सेम बात दिखे, जहाँ पर दो सिमिलर बात हो रही होगी, वो आंसर कभी भी नहीं हो सकता,
तो ना ही हमारा ये आंसर हो सकता है ना ये। अब बच्चा या तो ये आंसर होगा या तो ये आंसर होगा। मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ यूज टू मॉडल है तो यहाँ वी वन आना चाहिए, आना चाहिए या नहीं, बोलिए। यहाँ पर वी वन आना चाहिए ना। अब वी वन इसमें शुरू हो रहा है इससे, तो ये भी हमारा इसकी वजह से कट गया, ड्राई हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाले में चेक करो, आर बैठा है कि वी आर यूज टू, हम प्रेजेंट में हमारी आदत है कहाँ बैठने की, राइट साइड। क्या हो गया यूज टू यहाँ पर, जल्दी बोलो। यूज टू यहाँ पर एक क्या है, एडजेक्टिव, क्योंकि हम किसी और से कराएंगे नहीं, खुद ड्राइव करेंगे, तो पैसिव वॉइस होगा नहीं, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। तो इसलिए यहाँ पे आंसर ड्राइविंग हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी होगा। क्लियर, मैं उम्मीद करती हूँ चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ, द पेनिसिलिन इज यूज टू डैश प्रिवेंट या प्रिवेंटिंग। मैं आपको एक मिनट दे रही हूँ, जल्दी से कर लो और फिर बताओ। जल्दी से कीजिएगा कि पेनिसिलिन इज यूज के साथ प्रिवेंट आएगा या प्रिवेंटिंग आएगा, खुद से बताओ जल्दी से। अब देखो यहाँ पर देखना एक बार, पेनिसिलिन जो है इज यूज्ड, पेनिसिलिन का इस्तेमाल किया जाता है, क्या शो कर रहा है, पैसिव वॉइस। इसका मतलब इसके बाद यहाँ पर ये यूज, यहाँ पर क्या यूज हुई है, वर्ब, क्या हो, वर्ब यूज हुई है, तो ये क्या होगी, वी थ्री। इसका मतलब यहाँ पर ये जो वर्ब यूज हुई है ना, देखो वर्ब यूज टू। अब दो वर्ब को जोड़ने के लिए टू आ सकता है, और टू अपने बाद हमेशा क्या लेता है, जल्दी बोलो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रिवेंटिंग नहीं होगा, क्या आंसर होगा, प्रिवेंट। बेशक एग्जाम आ रहा है, बट किसकी बात, पैसिव वॉइस की बात हो रही है, और जब पैसिव वॉइस की बात हो रही है और टू है ना, मैंने आपको बताया था और अब फिर से बता देती हूँ, टू प्लस वी वन होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, जो कि एक नाउन है ना। जैसे बोलो टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, ठीक है, जैसे मैं एक एग्जांपल लिख देती हूँ, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज। तो टू वॉक यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट है ना, हेल्पिंग वर्ब से पहले आ रहा है, मतलब ये क्या है, नाउन, इन्फिनेटिव, ठीक है, इस तरीके से। अब आगे देखो, मिल्क इज यूज टू डैश कर्ड, कर्ड का मतलब होता है दही, खुद से बता दोगे। अब मिल्क है ना, क्या ये अच्छाई है, मिल्क की आदत है, नहीं, दूध से दही बनाया जाता है, अपने आप बन जाएगा, कौन बनाएगा, हम बनाएंगे, काम कराया जाएगा। इसका मतलब ये इसके बाद जो यूज्ड है ये वर्ब है, क्या आना चाहिए, वी थ्री लिखा है। टू के बाद अभी बोला क्या आएगा, वी वन, मेक होगा, मेकिंग नहीं होगा, क्लियर। अब इसको सिक्स्थ को करो जल्दी से, कैमल इज यूज टू डैश विदाउट वाटर। आपको पता होगा कैमल काफी दिनों तक, काफी दिन तक प्यासा रह सकता है, क्योंकि वो स्टोर कर लेता है अपने अंदर वाटर, ठीक है, नहीं पता तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आप देखो यहाँ पर है, कैमल का इस्तेमाल किया जाता है, नहीं, कैमल खुद स्टोर करता है पानी, ऐसा है या नहीं, बिना पानी के रह सकता है, ये क्या है, प्रेजेंट की उसकी हैबिट है, बोलिए, हाँ, प्रेजेंट की हैबिट है। यहाँ पर यूज टू क्या होगा, एडजेक्टिव, और यहाँ पर इससे पता चला, क्योंकि एग्जाम आ रहे तो मॉडल नहीं हो सकता, काम करवा नहीं रहे, वर्ब हो नहीं सकता, एडजेक्टिव हो गया। और इसके बाद क्या आता है, आईएनजी आता है, ठीक है, या तो यूज टू के बाद जेरंड समझ लो, नाउन आता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी, या फिर इसके बाद आईएनजी, तो लिविंग होगा, लिव नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मत सोचना कि इज आ रहा है तो ये, समझना पड़ेगा कि कब इसके बाद आईएनजी आएगा, कब इसके बाद आईएनजी नहीं आएगा। और अगर आपको समझ ना आ रहा हो, जो फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसका जो यूज टू चैप्टर में सेमी मॉडल करके होगा, नीड डेयर यूज टू, उस वीडियो को कंप्लीट देखें, फिर यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
आगे देखते हैं और लास्ट सेंटेंस है हमारी क्लास का, राम इज यूज टू डैश अल्कोहल। आंसर बताइए जल्दी से। राम जो अल्कोहल है, बोलो जल्दी, अल्कोहल मतलब क्या? ड्रिंक। उसकी आदत क्या है कि वो अल्कोहल लेता है, अल्कोहल पीता है, शराब पीता है, शराब का सेवन करता है। यूज टू क्या है जल्दी बोलो, अगर वॉज हो तो पास की हैबिट, इज है तो प्रेजेंट की हैबिट, यूज टू क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है तो नाउन लेगा, जेरंड जिसे बोलते हैं, या इज एम आर के बाद क्या आ जाएगी? आईएनजी। तो ड्रिंकिंग हमारा आंसर होगा, ड्रिंक आंसर नहीं होगा। सो मैं उम्मीद करती हूँ सेशन आपको समझ आया होगा, चीज़ें क्लियर हुई होंगी, कब यूज टू मॉडल बन रहा है, कब यूज टू एडजेक्टिव बन रहा है, कब यूज टू वर्ब बन रहा है। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन यूज टू पे दूंगी, तो आज देखा आपने मैंने यूज टू के कुछ क्वेश्चंस कराए। तो उम्मीद करती हूँ सेशन अच्छा लगा होगा, ठीक है? तो अपने कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि सेशन कैसा लग रहा है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल, ये आप ही का चैनल है दोस्तों, है ना? आप सबका चैनल है, आप सबके लिए काम कर रहे हैं, आप सबके लिए पढ़ा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लग रही है वीडियोस, लाइक कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।